हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिले में आज राहुल गांधी का दौरा। राहुल गांधी ने बाढ़ से लेकर अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी सहित सभी पर व्यंग करते हुए झूठ बोलने की बात के साथ सरकार बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ बेरोजगार को रोजगार देने की बात की। पिछले लगातार 5 सालों में राजस्थान सरकार सहित भारत सरकार के ऊपर अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित राहुल गांधी ने शब्दों के व्यंग बाणों से घेरने के लिए राफेल सहित अंबानी और अडानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नोटबंदी, गब्बर टैक्स जैसी बातें आम लोगों को बताई। राहुल गांधी ने कहा कि हम झूठ भाषण नहीं बोलते, मन से जो बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। मंच पर राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात के साथ, युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी को रोजगार दिलवाने की बात के साथ, जालौर में ग्रेनाइट फैक्ट्रियों में इकाइयों का कारोबार को बढ़ोतरी करने की बात बताई। राहुल गांधी का भाषण 33 मिनट चला। 33 मिनट के भाषण में राफेल, ललित मोदी, नीरव मोदी सहित राजस्थान सरकार की विफल होने के आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने एक नारा याद दिलाते हुए कहा कि पिछली बार जब लोकसभा के आम चुनाव थे तब एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। वे नारा था, मोदी बोलते थे अच्छे दिन, जनता बोलती थी आएंगे। लेकिन आज एक नारा बड़े तूफानी से चल रहा है, मैं बोलता हूँ चौकीदार तो जनता बोलती है चोर है। 8 विधानसभाओं पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, वहीं कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में सभी उम्मीदवारों को भेजने की बात कही। जहां प्रेम की गाथा शुरू होती है वहीं पर हम प्रेम की बात करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जालौर में 5 प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजें, जिससे कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवा से लेकर किसानों से लेकर मजदूरों से लेकर सबको लाभ मिलेगा। मुफ्त दवा से लेकर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार, पशुधन को मुफ्त में दवा। एक विधानसभा रानीवाड़ा तो दूसरी विधानसभा सांचौर है, दोनों नेता 20,000 के वोट का अंतर डाल सकते हैं। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर समरजीत सिंह, रतन देवासी, सुखराम विश्नोई, मंजू मेघवाल, पुखराज पाराशर, सुल्तान खान भाटी, सवाराम पटेल, योगेंद्र सिंह कुमावत, जुल्फिकार अली भुट्टो, नैन सिंह राजपुरोहित, भरत मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल भगवान सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।